हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज के हम इस क्लास में बाइनरी ट्री से कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाइनरी ट्री के दो तीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी बाइनरी ट्रीज आर पॉसिबल विद फोर नोड्स। यानी कि आपको सिंपल एक क्वेश्चन क्या दिया कि आपको बताना है कि कितने बाइनरी ट्री ऐसे पॉसिबल है, उसमें कितने नोड्स आती हूँ, फोर नोड्स आती हूँ। तो चार नोड्स वाले कितने बाइनरी ट्रीज पॉसिबल है, तो कैसे पता लगाएंगे? देखो, इसका ना एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? सपोज करो आपके पास एन नंबर ऑफ नोड्स है, क्या आपके पास एन नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है, इतनी नोड्स है आपके पास। एन मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी नंबर हो सकता है, इतने नंबर ऑफ नोड्स है। और आपको कहे कि बाइनरी ट्री बताना है, इसमें क्या बताना है, बाइनरी ट्री बताना है। सो बाइनरी ट्री कैसे बताओगे आप? सिंपली आपका बाइनरी ट्री का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज बताना है आपको, तो क्या होगा फॉर्मूला? 2n होल फैक्टोरियल एन प्लस वन होल फैक्टोरियल इन टू एन फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला को याद रखो, सो आप इससे जितने मर्जी बाइनरी ट्रीज को आप निकाल सकते हो। देखो, अब क्वेश्चन में क्या करता है, नंबर ऑफ नोड्स कितने आपके आपके फोर नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं, फोर नोड्स हैं, ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू क्या है, फोर। सो नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे जिसके चार नोड्स होंगे, कितने नंबर ऑफ ट्री पॉसिबल हो सकते हैं, 2n होल फैक्टोरियल, यानी कि 2n, यानी कि 2 × 4, यानी कि 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 प्लस 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने क्या करा, 8 को फैक्टोरियल के ऊपर खोल दिया, 8 7 6, देन 5 फैक्टोरियल को स्टॉप करा, नीचे 5 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दिया, 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1, यही होता है, मैंने ये करा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, एंड 4 2 4 2 8, ये पूरा 8 से कट गया, ठीक है, नीचे बचा 3 बचा, ठीक है, और 3 किससे कट गया, 6 से कट गया, तो 3 2 6, यानी ऊपर बचा 7 2 जा, और 7 2 जा कितना होता है, 14, क्या होता है, 14। यानी कि आपके 14 नंबर ऑफ क्या बन सकते हैं, आपके बाइनरी ट्रीज बन सकते हैं, जिसमें कितने नोड्स आते हो आपके, चार नोड, यानी कि चार नोड्स वाले 14 बाइनरी ट्रीज पॉसिबल है। सो इससे आप कोई भी मतलब किसी भी कोई भी नंबर ऑफ नोड्स के लिए आप बाइनरी ट्रीज बता सकते हैं, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को याद रखना, 2n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएट द इनफिक्स एक्सप्रेशन, क्या निकालनी है हमें, इनफिक्स एक्सप्रेशन निकालनी है। और हमें गिवन क्या दे रखा है, जो भी ए बी सी जो भी इसमें नोड्स आ रहे ट्रीज के अंदर उसकी वैल्यूज दे दी, यानी कि सिंपल सा लॉजिक, इसका मतलब क्या, मुझे पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी, उसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब सवाल ये कि मुझे ट्री देगी, मैं इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसे निकालूं यार, इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसे निकालूं? इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि आप किसी भी ट्री का इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, और मैं उसका लिंक आई वीडियो में डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसे निकालनी होती है। सिंपल से मैंने बताया था कि नोड्स को आपको क्या करना है, फ्री फॉल करना है, क्या करना है, फ्री फॉल, यानी कि फ्री फॉल करूंगा तो पहले ई देन प्लस देन डी देन माइनस देन ए देन डिवाइड देन बी देन मल्टीप्लाई देन सी, फ्री फॉल हो गया। एंड आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको उसी ऑर्डर में नोट्स को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ई देन प्लस देन डी देन माइनस देन ए देन डिवाइड बी इंटू सी, यही होगा ऑर्डर, मतलब उसी स्टार्टिंग से एंड के ऑर्डर में लिखना आपको सब नोट्स को, फ्री फॉल के ऑर्डर में, ठीक है, ठीक है। अब बोर्ड मास का रूल हमने पढ़ा है, बोर्ड मास क्या होता है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। देखो, ई प्लस डी तो कोई नहीं हो तो बाद में एवेल्युएट होगा, माइनस ए डिवाइड बाई बी, पहले ए डिवाइड बाई बी होगा देन जाके माइनस होगा बाद में, फिर इंटू सी, ये बनेगा एक करेक्ट एक्सप्रेशन, बना करेक्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन बन गया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ई क्या आपका, ई है 10 प्लस डी है 30 माइनस ए डिवाइड बी, यानी कि 30 डिवाइड 10 इंटू सी क्या है, 2, तो ठीक है 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40 माइनस 30 को 10 से डिवाइड कर दो कितना, 3 इंटू 2, यानी कि 40 माइनस 3 2 6 कितना हुआ, 34, यानी कि इनफिक्स एक्सप्रेशन सॉल्व करके कितनी आ गई, 34। सिंपल सा लॉजिक था, आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको निकालनी थी बिस थ्री की, ठीक है, और फिर आपको उसको वैल्यूज पुट करनी थी। अब इस टाइप का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बताओ इसकी, क्या बताओ, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बताओ, वो भी इजी है, कुछ नहीं करना आपको, आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन निकालनी आती है,
वीडियो मैंने कहा मैं आपको लिंक में डालूंगा, उसमें तीन है कि आप इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कैसे निकाल सकते हो, आप वहां जाके तीनों कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में तीनों से आप क्या कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, यानी कि आपको कहीं प्रीफिक्स दे निकालनी है और वैल्यूज दे दी, फिर कहता है पोस्टफिक्स निकालनी वैल्यूज दे दी, बहुत ईजी मेथड है ना कि ट्री आपके पास, आप तीनों में से कोई भी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, चाहे आपके वो भी हो गए, आपके कॉलेज एग्जाम्स हो गए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, इन सब टाइप के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू टाइप में हो गया, सब्जेक्टिव टाइप में, जैसे मुझे पूछा जाता है। वैसे मोस्टली एमसीक्यू टाइप में फिल इन द ब्लैंक्स जैसे में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब सबसे पहले स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के बहुत सारे नाम होते हैं। एक होता है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड टू ट्री, है ना, हमने पढ़ा है ना, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप बाइनरी ट्री में जाके देखोगे आपको मिल जाएगी, वो मैं लिंक में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा वीडियो। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होता है एक्चुअली में, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री एक्चुअली स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता है, या फिर इसको टू ट्री या फिर एक्सटेंडेड टू ट्री कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके टोटल नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं, क्या बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स आने की बाइनरी ट्री में कितने होंगे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में, जब आपकी डेप्थ क्या हो 3 हो और आपकी डेप्थ क्या हो 7 हो, ठीक है। तो कैसे निकाले, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, नोट्स निकालने ना, टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं और आपको डेप्थ दे रखी है डी, मैं मतलब मेरे को डेप्थ क्या दे रखी है डी, डेप्थ मतलब कि हाइट, उस ट्री की हाइट दे रखी है डी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ नोट्स का 2 की पावर d+1 - 1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप याद रखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कोई भी गिवन हाइट या डेप्थ के लिए आप नंबर ऑफ नोट्स निकाल सकते हैं इसके अंदर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, सिंपल, नंबर ऑफ नोट्स निकालने मुझे डेप्थ 3 दे रखी है, डेप्थ क्या दे रखी है 3, यानी कि डी दे रखा 3, यानी कि 2 की पावर 3 + 1 - 1, यानी कि 2 की पावर 4 - 1, यानी कि क्या हो जाएगा 16 - 1 यानी कि 15, यानी कि उसके टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे 15 नोट्स होंगे, जब आपकी हाइट या फिर डेप्थ कह सकते हैं वो क्या हो 3 हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी कर, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं इजी है से, डेप्थ क्या 7 है, डेप्थ 7 है यानी कि n इज इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर d+1, यानी कि डेप्थ क्या है 7, ये d के 7, 7 + 1 - 1 यानी कि 2 की पावर 8 - 1, ठीक है। 2 की पावर 8 क्या होता है 256 - 1 यानी कि 255 नोट्स आपकी होंगी उस स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर, और आपकी डेप्थ कितनी है 7। सो ये कुछ हमने बेसिक्स क्वेश्चन करे थे, कुछ क्वेश्चन करे थे बाइनरी ट्री के ऊपर, आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।